में शेयर करने जा रहा हूँ, मुंबई स्पेशल कराची हलवा। मार्केट में मिलने वाला 1500 रुपये किलो, 1200 रुपये किलो, 2000 रुपये किलो, 1200 रुपये किलो मिलने वाली ये मिठाई। आज मैं ये कराची हलवा घर पे बनाने जा रहा हूँ, और ये कराची हलवा किस तरीके से बनेगा ये आप वीडियो में ज़रूर देखें, और वीडियो में ऐसे ही बने। तो शुरू करते हैं लाजवाब तरीके से कराची हलवा बना। और सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया एक जार, और जार में सबसे पहले हमें ऐड करना है ये 1 बाउल कॉर्नफ्लावर है, कॉर्नफ्लावर को ऐड कर लिया। और इसी बाउल से यहाँ पे 2 बाउल इसमें पानी ऐड करना है। इसका एक अच्छे से हमें इसे क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट बनाना है। एक घोल बना लेंगे यहाँ पे अच्छे से परफेक्ट तरीके से। और मैंने यहाँ पे लिया है कंटेनर, आप किसी प्रकार से भी यहाँ पे कोई सा भी आप कंटेनर यहाँ पे ले सकते हैं। और इसमें घी या ऑयल आपके पास में जो अवेलेबल है आप इसे ब्रश से चारों तरफ लगा लें। मेरे पास में यहाँ पे ब्रश नहीं है, तो मैं ही इसी तरीके से, अगर हमारे पास में ब्रश नहीं है तो हमें इस तरीके से हाथ से चारों तरफ इसके। और तो ये तैयारी हमें पहले से करके रखना है, क्योंकि बाद में जब हमारा हलवा बन जाएगा तो हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो इसे हमें पहले से ही रेडी करके रखना है। और अब इसे साइड में रखेंगे, करेंगे बाकी का काम। और मैंने लिया यहाँ पे एक पैन, और आप किसी प्रकार से इस तरीके से आप पैन ले लीजिए। हम अब हमें क्या करना है, 1 बाउल शुगर है, शुगर ऐड करेंगे। और जिस बाउल से हम शुगर ऐड करें उसी बाउल से हमें क्या करना है, 1 बाउल पानी ऐड करना है। और इसे हमें इस तरीके से चलाते रहना है। और हमें इसे यहाँ पर तार वाली चाशनी नहीं बनाना है, बस हमें क्या करना है, यहाँ पर बस हमारी चीनी जो है यहाँ पर पानी के साथ में अच्छे से मेल्ट हो जाए और अच्छे से एक उबाल आ जाए, बस इतना ही हमें यहाँ पर करना है। और चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई और अच्छे से हमारे इसमें उबाल भी आ गया, ये देखिए हमें तार वाली चाशनी चाहिए। बस ये देखिए थोड़ा सा चिपचिपा हो रहा है, बस इतने ही, बस परफेक्ट तरीके से यहाँ पर हमारी चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नींबू है, नींबू का रस ये छोटे वाले चम्मच से 2 चम्मच है, मैं यहाँ पे 2 चम्मच ऐड कर रहा हूँ। आप किस क्वांटिटी के हिसाब से बना रहे हैं आप उसी हिसाब से इसमें ऐड करें, और इसे अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेना। और अब हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके ये घोल को इसमें ऐड करते रहना है, थोड़ा थोड़ा करके, और इस तरीके से चलाते रहें। और इस तरीके से हमें जल्दी जल्दी से हाथ चलाते रहना है। और देखिए धीरे धीरे करके यहाँ पर जो हमारा हलवा है वो तैयार होने लग गया, ये देखिए। अब इस स्टेज पे क्या करना है, हमें क्या करना है, घी ऐड करना है। यहाँ पर अभी मैं 1 चम्मच घी ऐड कर रहा हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करते रहना। और देखिए यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ ये कलर है, फूड कलर है, थोड़ा सा 2 चुटकी है, 2 पिंच कलर को इसमें अच्छे से मिक्स कर लें। आपको जिस तरीके से कलर पसंद है आप उस तरीके से यहाँ पे इसमें कलर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ये ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट को ऐड कर रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे काजू बादाम भी ऐड कर सकते हैं, आपको जैसे भी ड्राई फ्रूट, जो ड्राई फ्रूट पसंद है आपको ड्राई फ्रूट। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये वाले ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर दिए और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँ। अगर आपको लगे कि ये घी छोड़ नहीं रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। परफेक्ट तरीके से यहाँ पर हमारा हलवा जो है वो बन के तैयार हो गया। ये देखिए इसने घी छोड़ना भी शुरू कर दिया, देखिए इस तरीके से हमारा हलवा जो है बनके तैयार हो गया। और अब इसी स्टेज पर हम क्या करेंगे, गैस को हमें बंद नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है, हमें इसे गरम गरम ही कंटेनर में ऐड करना है। और मैंने इसमें थोड़ा सा नीचे से ड्राई फ्रूट भी बारीक चॉप करके रखे हुए हैं, अगर आपको पसंद है तो ही आप यहाँ पर ऐड करें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इस तरीके से हमें क्या करना है, इसे मैं ऐड कर,
से इसे हमें क्या करना है, सेट कर लेना है। और अब इसे एक घंटे के लिए मैं इसे सेट करने के लिए रख रहा हूँ। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं और मॉर्निंग में इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैं इसे एक घंटे के लिए सेट करने के लिए, एक घंटे में हमारी जो हमारा जो कराची हलवा है एक घंटे में ही सेट हो जाए। और एक घंटा हो गया और एक घंटे में देखिए हमारा हलवा जो है वो सेट हो गया। और इसे हम क्या करेंगे, साइड से कट कर लेंगे, हल्का सा कट करना है। वैसे तो ये ऐसे ही निकल जाएगा क्योंकि जो हमारा हलवा है वो एकदम परफेक्ट तरीके से बना। देखिए बस हल्का सा कट करना है और हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से एक प्लेट लेना है, प्लेट या थाली कुछ भी है आपके पास में जो अवेलेबल है, और इस तरीके से हमें क्या करना है, पलट लेना है। इस तरीके से पलट लेना है और एकदम परफेक्ट तरीके से देखिए यहाँ पे हमारा हलवा बनके तैयार हो गया। ये देखिए मैं आपको इस तरीके से करके दिखाता हूँ, देखिए किस तरीके से एकदम हमारा कराची हलवा बनके देखिए तैयार हो गया। एकदम परफेक्ट तरीके से देखिए इसकी यहाँ पर मैंने इसे बर्फी की तरह से कट कर लिया। देखिए ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा कराची हलवा बनके तैयार हो गया। और एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा कराची हलवा बनके तैयार हो गया। ये देखने में इतना लाजवाब लग रहा है, ये खाने में उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट हो। और आप भी इस तरीके से आसान तरीके से घर पर ये कराची हलवा बनाएं और घर आए मेहमानों को खिलाएं। मेहमान भी आपके बहुत ही खुश होंगे कि किस तरीके से आपने ये लाजवाब बॉम्बे स्पेशल कराची का हलवा घर पर बनाया है। ये देखने में इतना लाजवाब लग रहा है तो खाने में तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। आपको हमारी आज की एक कराची हलवे की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरी मेहनत और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि नई से नई रेसिपी सबसे पहले आपके पास। आज की रेसिपी में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई रेसिपी के साथ में।